डूइंग वेल। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी हर किसी को बहुत पसंद होती है, सो आज मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पाव भाजी मैं अपनी रेसिपी से अपने स्टाइल में आपके लिए लेकर आई हूँ। आप अभी तक जैसे भी पाव भाजी बना रहे थे, एक बार इस रेसिपी से पाव भाजी ज़रूर बना कर देखिएगा। एंड मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसी रेसिपी से पाव भाजी बनाएंगे। तो बिना देर गवाए हम आज की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गरम रख दी है और उसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक शिमला मिर्च। मीडियम साइज़ की मैंने ली है और इसे बारीक काट लिया है। मैंने ना तेल डाला है और ना ही मैंने इसके अंदर बटर डाला है, बस ऐसे ही डायरेक्ट डाल दी है। और इसे हमें ना थोड़ा सा अतकचरा सा करना है, एकदम नरम नहीं करना है, ऐसा कि एकदम जैसे जब हम खाएँ तो थोड़ा कुरुम कुरुम आवाज़ आनी चाहिए, वैसा इसे कर लेना है हमें। और जब ये थोड़ा हो जाए शिमला मिर्च, उसके बाद इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ मटर। यहाँ मैंने एक कप मटर लिए जिसको मैंने पहले से बॉईल किया है, लेकिन पूरा बॉईल नहीं किया है, यानी एकदम नरम हो जाए ऐसा नहीं किया है, थोड़ा हल्का किया है, क्योंकि बाकी का जो नरम होने का पार्ट है ना वो यहाँ कढ़ाई में पूरा होने वाला है। ये देखिए जब नरम हो जाएगी उसके बाद ये कुछ इस तरह से मटर और शिमला मिर्च दिखेगी, तब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 बड़े लाल टमाटर। कोशिश करें कि एकदम लाल टमाटर आप इसमें यूज़ करें ताकि जो रंग है पाव भाजी का वो अच्छा निखर के आ पाए। तो अब हम ये टमाटर को भी अच्छी तरह से कहना चाहिए पका लेंगे। ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, 3 से 4 मिनट इसे पकने में लगे यहाँ पर। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 बड़े उबले हुए आलू। यहाँ आलू की मैंने करीब 5 से 6 सीटी ली, इसमें अच्छे उबल गए, उन्हें अच्छे से मैश करने के बाद मैंने यहाँ डाला है। अगर आप मैश नहीं करेंगे तो बाद में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इससे अच्छा क्या पहले से ही मैश करके इसमें डालें। ये देखिए और अच्छे से मैंने मिला दिया, ऐसे थोड़ी देर पकने दें ताकि सब चीज़ें आपस में मिल भी जाएँ, अच्छी थोड़ी नरम हो जाए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। सब चीज़ें मिल चुकी हैं सो मैंने बटर डाल दिया और इसे थोड़ा सा पिघलने का वेट कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून बटर काफ़ी है आपको, अगर ज़्यादा बटर पसंद तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और जब ये बटर थोड़ा हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये दोनों मिलाकर करीब 1 टेबल स्पून दोनों का पेस्ट है, लहसुन और अदरक का, और इसे अच्छी तरह सब्दूर मिला दूंगी ताकि बटर में मिलने के बाद वो सब्दूर अच्छी तरह से मिल जाए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला अभी मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, सिर्फ बोला है मैंने, यानी अभी बाद में और डालना है हमें, तो अभी सिर्फ 1 टेबल स्पून डालें। और हाफ नींबू, आधा नींबू काट लीजिए, हमारा जो मीडियम साइज़ का नींबू आता है, और उसका रस इसके अंदर डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि बीजे ना आए उसमें, वरना सब स्वाद खराब हो जाएगा। और मेरा जो पोटैटो मैशर है वो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल में मैं पराठे बनाने का जो लकड़ी का आता है ना वो यूज़ कर रही हूँ। तो उससे अच्छा है, खैर आप जब भी कुछ बनाएं तो जो चीज़ आपको काम में आ जाए ना वो काम में किचन में ले सकते हैं, बस चीज़ सही बननी चाहिए। तो ये देखिए मेरा अच्छी तरह से ये जो वेजी का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मैश हो चुका है। और अब मैं इसको ना क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, सिर्फ रंग के लिए डाली जाती है। हमारे जो हलवाई और होटल वाले होते हैं ना वो रंग इसी से लेके आते हैं, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च डालना बिल्कुल ना भूलें, बट लास्ट में डालें और बाद में एक बार और अच्छी तरह से इसे मैश कर लें। मैश करने के बाद इसे एक बर्तन में साइड में निकाल लीजिए और आपकी कढ़ाई को या तो अच्छी तरह से पोंछ लीजिए या धो लीजिए। तो मैंने क्या किया कि अच्छे से सारा मसाला निकाल लिया और कढ़ाई को जो है ना बढ़िया साफ कर लिया है। और अब जो है मैं कढ़ाई में फिर से डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बटर। और बटर जो है वो जो काम पाव भाजी में करता है, बिना बटर के तो कोई पाव भाजी बन ही नहीं सकती। और अब मैं इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ, और उसके साथ में मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज यहाँ पर लिए हैं। कोशिश करें कि आप बारीक ही प्याजों को काटें, पर बारीक का मतलब नहीं है कि आप मिक्सर में पीस लें, एकदम बारीक छोटे साइज़ के प्याज लें और उन्हें काट के इसमें डाल दें।
और इसके साथ में ये जो पूरा मिक्सचर है इसे अच्छी तरह से पकने दें और तेज आंच पे करें, क्योंकि क्या होता है जब आप कम आंच करते हैं ना तो प्याज एकदम नरम पड़ जाते हैं जो टेस्ट उतना देते नहीं है। ये देखिए मेरा जो प्याज है वो एकदम बढ़िया पक गया है, एकदम जैसा चाहिए था वैसा ही पका है, नरम नहीं पड़ा है। और अब मैं इसके अंदर एकदम बढ़िया फ्रेश हमारा हरे धनिया की पत्तियाँ डाल रही हूँ ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। और उसके साथ में मैंने यहाँ फिर से एक बार 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाला है, यानी कि हमने पूरी पाव भाजी में 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला यूज किया है। और अब मैं इसके साथ इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद अनुसार आप बिल्कुल डाल लीजिए, पर ध्यान रखिए कि आपने बटर यूज किया है, सो बटर अगर सॉल्टेड है तो नमक में थोड़ा सा हाथ ना खींच लीजिएगा। अब जो है हमारी जो पूरा हमने जो तैयार नहीं किया था वेजी वाला मिक्सचर, वो पूरा आपको इसके अंदर डालना है। तो ये देखिए पूरा इसमें मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह कम से कम 5 मिनट तक रेगुलर रूप से चलाते रहिए ताकि सब कुछ मिल भी जाए और साथ में अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि मसाला हमने अभी जो पहले वाला बना हुआ था वो अभी कढ़ाई के अंदर आया है, तो प्याज वाले मसाले में उसका सही तरीके से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मिल गया है। और आप इतनी सूखी पाव भाजी तो खा ही नहीं सकते हम, पाव भाजी तो थोड़ी सी ना गीली गीली अच्छी लगती है, थोड़ी सी तरी वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, अभी अच्छी तरह चुकी मिल गई है, पक गई है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी का अंदाज़ा ऐसा होना चाहिए कि आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी समझ में आना जाना चाहिए, पर अगर मेरी बात करूँ तो फिर भी मैं आपको कहूँगी कि 1 से 1.5 कप पानी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए और ये देखिए थोड़ी देर ये जो पानी है इसे भी गर्म होने दीजिए। तो पानी इतना डालिए कि गर्म होने के बाद जो कंसिस्टेंसी है पाव भाजी की वो एकदम बढ़िया हो जाए। तो ये देखिए एकदम शानदार, एकदम रेडी है हमारी पाव भाजी। तो अब हमारे पाव सेक लेते हैं। तो पाव सेकने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, फटाक से थोड़ा सा बटर डालना है और जब बटर थोड़ा सा कहना चाहिए पिघल जाए ना तो उसमें बिल्कुल 2 चुटकी डालना है पाव भाजी मसाला। और आप चाहे ना तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल सकते हैं हरा धनिया, हरे धनिए से और मज़ा आ जाएगा। लेकिन खैर मैंने भी सिर्फ पाव भाजी मसाला डाला है। और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और बस पाव रख दीजिए। तो अभी मैं क्या करती हूँ 2 सेट पाव के बना लेती हूँ ताकि गरम गरम आपको भाजी के साथ में दिखा पाऊँ। तो ये देखिए मैंने फिर से बटर डाला, फिर से उसमें थोड़ा सा मैंने डाला पाव भाजी मसाला और ऊपर से रख दिया पाव। तो दोनों तरफ से पाव भाजी के लिए जो पाव है इन्हें हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से एकदम बढ़िया पाव जो है वो सिका गए हैं। तो हमारी ये जो पाव भाजी है वो बिल्कुल रेडी है और आप इसे प्याज नींबू और हरे धनिए के साथ खाएं और थोड़ा सा ना भाजी के ऊपर बटर और डाल लें तो मज़ा दुगना हो जाएगा। सो इट्स रेडी।